सो हे गाइस, सलादिया गेमिंग के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपको होस्ट और दोस्त हिमांशु। सो गाइस, फाइनली यार पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से एक गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है यार। इतना लंबा इंतजार करने के बाद एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप इसको कह सकते हो यार। हाँ यार, इसमें भी आपको सुन ही शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, पर यार आपको एक अच्छी चीज़ इसके अंदर सुनने को मिलने वाली है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या ना कि पबजी मोबाइल इंडिया से अभी पबजी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है अपनी पबजी मोबाइल। तो भाई ये चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। सो गाइस, पबजी इंडिया हैज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज ए कंपनी विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि पबजी इंडिया ऑफिशियली यहाँ पे रजिस्टर कर दी गई है एज ए कंपनी इंडिया के अंदर। वाई यार, अप्रूव हो चुकी है यार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे यार जो लोग कह रहे थे कि यार पबजी इंडिया यार गेम इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए डिले हो रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि यार गवर्नमेंट की तरफ से पबजी मोबाइल को बैन करा था। तो बेसिकली यहाँ पे यार पबजी इंडिया अभी रजिस्टर हो चुका है इंडिया के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव करा है। तो अब हमें कोई भी यहां पे कोई भी रिस्क नहीं है कि जो लोग कह रहे थे कि यार इस वजह से डिले हो रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस वजह से डिले नहीं होने वाला है। साथ में यार पबजी कॉरपोरेशन कोई भी ऐसा रिस्क नहीं चाहती, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं चाहती जो कि यार गेम आ जाए हवा हवा में इंडिया के अंदर और फिर उसके बाद यार उनको मतलब दिक्कत आए लॉन्च करने के बाद, बैन हो जाए गेम, कोई पता थोड़ी ना होता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो इसलिए यार कोई भी ऐसी कोई भी स्टेप नहीं चाहती, कोई गलत स्टेप हो जाए। तो इसलिए यहां पे जितने भी स्टेप्स वो फॉलो कर रहे हैं पूरा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं, जो जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। सो गाइस, पबजी इंडिया कंपनी के दो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है कुमार कृष्णा अय्यर, पहले डायरेक्टर का नाम है ये, और जो सेकंड डायरेक्टर है उनका नाम है सीन सोहन। और जो सीन सोहन है ना, ये हमारे हेड भी हैं क्राफ्टन पबजी कॉरपोरेशन के भी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको दोनों डायरेक्टर्स के नाम भी बता दिए। सो गाइस, अब आप कह सकते हो कि पबजी इंडिया बहुत ही जल्द प्ले स्टोर एप्पल स्टोर में आने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हो चुकी है, मेरे को जहाँ तक लगता है हर एक चीज़ तो हो ही चुकी है, पर जो भी चीज़ें अभी बची होंगी वो भी हो जाएंगी और जल्द ही जल्द हमें मिल जाएगी पबजी इंडिया। तो यार यहाँ पे मतलब ऑफिशियल्स के तरफ से भी कन्फर्म हो चुका है कि इंडियन वर्जन आएगा और टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस चिल मारो यार, जब भी प्ले स्टोर के अंदर आएगा आपको पता चल जाएगा और आप आराम से जाके डाउनलोड करके खेल भी सकते हो। तो यार मतलब इतना ज़्यादा ओवर हाइप मत लो इस गेम के बारे में यार, बस सोच सोच के दिमाग तुम्हारा ही ख़राब होने वाला है। तो इसलिए यार ज़्यादा सोचो मत, इससे अच्छा यार तुम गेम खेल लो अपना पबजी ग्लोबल वर्जन अगर तुम्हारा चल रहा है तो तुम उसको जाके खेलो तब तक, नहीं तो यार तुम पबजी कोरियन वर्जन भी खेल सकते हो। सो गाइस, बात यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ओवर हाइप मत मचाओ यार, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही जल्द आपको गेम देखने को मिल जाएगी प्ले स्टोर एप्पल स्टोर में। तो यार बस थोड़ा और वेट यार, इतना ज़्यादा वेट हमने कर लिया तो यार थोड़ा और वेट करने में क्या ही चले जाता है हमारा। तो यार बस यार थोड़ा और वेट और जो पबजी इंडिया है वो हमें फाइनली मिल जाएगा। तो यार बस इस वीडियो में ना आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यार यहाँ पे फाइनली पबजी इंडिया एक कंपनी बन चुकी है इंडिया के अंदर। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें ग्रोसी ही वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।